हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हैं पार्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट टू। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो पहले हम ये स्टोरी समझ लेते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिटेल में क्या, शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में तो ये चैप्टर ही है। तो एक्चुअली जब हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, देन वी स्टडीड वन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट वॉज ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ओस्टेड ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। देन फ्यू इयर्स लेटर अनदर साइंटिस्ट थॉट दैट, एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे वो, एक फैराडे सेकेंड हेनरी, बट उसको क्रेडिट सब किसको जाता है, फैराडे को। तो फैराडे ने भी सोचा यस वाइस वर्सा मे बी पॉसिबल, क्या अगर हम मैग्नेटिज्म से क्या करंट बना सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया एंड फाइनली ही गॉट दैट यस मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस, मैग्नेटिज्म आल्सो कैन प्रोड्यूस करंट। तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थी, बट हम शॉर्ट में यहां पर समझेंगे और क्या कंक्लूजन आया वो समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं, यस्टरडे आई डिडंट tell the definition of electromagnetic induction, but today I will tell the definition of electromagnetic induction. So first देखिए, और थोड़ा सा एक हमने लिखा था, कल हमने लिखा है SI unit of magnetic flux। इसके बाद में देखिए SI unit of magnetic flux वेवर थी, और CGS unit of, ये CGS unit है, this is CGS unit of magnetic flux। So what is the CGS unit of magnetic flux? That is nothing but Maxwell, and SI unit of magnetic flux is Weber. So what is the relation between CGS and SI unit? 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. तो ये relation भी याद रख लीजिएगा, ये मैंने एक short में और आपको एक topic add कर दिया। अब हमें next देखना है definition of electromagnetic induction। तो simple सी बात है, induction of EMF और alternating current by the help of मैग्नेटिज्म फिनोमिनन, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है अच्छी हैंडराइटिंग, यहाँ पर या हैंडराइटिंग में या जितना आपको समझ में आ जाए उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो लिख दिया। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा मीन्स वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज से करंट तो बनना ही है, and hence induced current due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction। इसका क्या मतलब है, जब ये साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने क्या देखा, जब मैग्नेट को किसी करंट लूप क्लोज लूप के पास ले जा रहे थे, उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, तो वो क्या देखते हैं कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही थी उस पर्टिकुलर लूप से, तब लिंक होने के बाद में चेंज हो रही थी, नॉट ओनली लिंक होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब लिंक होती हैं वो चेंज हो रही थी, तब तब हम उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, और गैल्वेनोमीटर क्या सेंस करता है, करंट सेंस करता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। तो इससे ये पता चला कि ये करंट आया कहां से, जबकि हमने कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं की, तो फिर बाद में ऑब्जर्व किया गया उसको, फिर और प्रूफ करके बताया कि यस दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग एंड आफ्टर लिंकिंग इट इज चेंजिंग एंड इट इज प्रोड्यूसिंग करेंट। ठीक है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी देख लेते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है, ओके एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड एक्सपेरिमेंट थर्ड। मैंने 3 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, शॉर्ट में, डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो लॉज लिखेंगे डायरेक्ट। तो देखिए ए के 3 पार्ट्स, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के 3 पार्ट्स है, जो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में बताए हैं, 3 पार्ट्स में बताए हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, ये कॉइल ली, देखिएगा ये कॉइल दिखाई दे रही है आपको बच्चों, यस ये कॉइल ली हुई है, राइट कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट लिया उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉइल, ये मैंने लिख भी दिया है, कौन सा पोल है ये, एन पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, ये देखिएगा एन पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। देन वी ऑब्जर्व दैट गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द
पोल ऑफ दी मैग्नेट। देखिएगा ये इधर हुआ और ये क्यों डिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें पोलरिटी पोलरिटी जो हुई है वो कौन सी प्रोड्यूस हुई है, एन एन पोलरिटी हुई। अगर फ्रंट से हम देखेंगे तो ये क्या करंट कैसा फ्लो होता हुआ दिखाई दिया, इसमें ये क्या बन रहा था करंट, एंड दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो ये एन हम इसमें बताते हैं डायरेक्शन का सेंस किसने बताया है वो अभी हम बाद में समझ लेंगे, बट अभी इतना याद रखें कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये डायरेक्शन कैसी है वो तो हम आगे देखेंगे। बट जब नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स ला रहे थे कॉइल के, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर बताया, टूवर्ड्स पोल, राइट, टूवर्ड्स ला रहे थे, तो इसमें डायरेक्शन क्या आई करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिगर बी में उसी मैग्नेट को अब नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहे थे, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल। देखिएगा जब ये अवे ले जा रहे थे तो ये क्या हो रहा था, मैग्नेटिक, इसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, और इंक्रीज होकर चेंज हो रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो इस टाइप से हुआ। तो इसमें पोल कौन सा नॉर्थ होगा, ये देखिए नॉर्थ, नॉर्थ को क्या होगा अपोज करेगा, अभी हम समझेंगे, ठीक है, अभी तो इतने एक्सपेरिमेंट समझ लेते थे। देखिए लेकिन जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, अवे ले जा रहे हैं, तब इसमें क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। देखिए ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हुआ, पहले डिफ्लेक्शन पोल के टूवर्ड्स हुआ था, अब जब अवे ले गए, ऐसे ले गए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। थर्ड केस में उन्होंने देखा, ये फिगर वन फिगर टू क्लियर हो गया, और थर्ड केस में उन्होंने देखा ना तो मैग्नेट को ना तो मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, और ये निडल कितने पर दिखाई दे रही है, जीरो पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इसमें कोई करंट नहीं बन रहा है। इसमें करंट कैसे बना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे बना था बच्चों, इसमें क्लॉकवाइज में बना था फ्रंट में देखने पर, और इसमें कोई भी करंट नहीं आया। इसमें करंट क्यों नहीं बना होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही है, लेकिन सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक हो रहा है, लेकिन लिंक होने के बाद में चेंज नहीं हो रहा है। क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड, देखिए ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। इसमें भी चेंज हो रहा था क्या, बढ़ता जा रहा था, इसमें भी चेंज हो रहा था, इसमें क्या कम होता जा रहा था, तो दोनों केस में करंट बना, और यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये नहीं बन पाया। तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक्सपेरिमेंट सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्टेबल रख दिया, दे स्टेबल्ड मैग्नेट, नाउ दे ट्राई टू वेरी कॉइल। ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कॉइल को उन्होंने एक मैग्नेट को यहां रेस्ट में रख दिया, और कॉइल को टूवर्ड्स मैग्नेट लाने लगे। जब टूवर्ड्स मैग्नेट लगा, ये स्टेशनरी था, ये मूविंग थी, तो मूविंग कॉइल को जब टूवर्ड्स लाए तो फिर से क्या देखा, करंट बना, करंट बना, तो इसमें कौन सा पोल क्रिएट हुआ, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि ये अब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस यहां थी, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और क्लोज आता जाएगा, तो फील्ड लाइंस और ज्यादा इसमें लिंक होगी। देखिए कुछ लाइंस ऐसी होंगी लेकिन क्लोज आएंगी, तो ये फील्ड लाइंस भी लिंक होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, उसको अपोज करेगा, तो इसमें डायरेक्शन क्या होंगी, ये। जब इन्होंने क्या किया, इसी का बी पार्ट समझना चाहें, तो इसको अगर इन्होंने अवे ले गए होंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएंगी करंट की, अभी डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इस टाइप से डायरेक्शन बता रहा है गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। इसी को उन्होंने अवे ले जाकर देखा होगा तो क्या होगा, यहां पर साउथ पोल क्रिएट होगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों ये वाला भी, ओके। तो मतलब उन्होंने इसमें मैग्नेट को वेरी किया था, इसमें इन्होंने कॉइल को वेरी किया, टूवर्ड्स किया, मैग्नेट को रेस्ट में रखा, कॉइल को टूवर्ड्स लाए, तो कौन सी पोलरिटी बन गई, नॉर्थ, और डायरेक्शन डिफ्लेक्शन किधर हो गया नीडल में, राइट साइड, और इसका अपोजिट भी करके देखा होगा उन्होंने। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आता है मैटर एक्सपेरिमेंट थर्ड का। एक्सपेरिमेंट थर्ड में उन्होंने क्या किया, एक ही कॉइल में, एक में बैटरी लगाई और एक सिंपल कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो देखिए ये कॉइल में उन्होंने इस टाइप से बनाई है, ये कॉइल ऐसी है, ये कॉइल के टर्न्स ऐसे बने हुए हैं सारे, ये देखिएगा ये, ठीक है बच्चों, ये तो उसमें करंट कैसे ऐसे ऐसे आ रहा है और ये करंट ऐसे जा रहा है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यहाँ की है, तो की में जैसे ही प्लग सर्किट क्लोज्ड बनाया तो करंट फ्लो होने लगा, इससे करंट फ्लो हुआ, इसमें कुछ भी नीडल में डिफ्लेक्शन इनिशियली कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाया तो इसमें डिफ्लेक्शन किधर हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है बच्चों।
तो इसमें करंट कैसे बनने लगा, इस टाइप से आप डिफ्लेक्शन होना मतलब करंट बनना, तो इस ऐसे करंट ऐसे जा रहा है जो हमने बैटरी लगाई है उससे, लेकिन इसमें करंट कैसे बना, अपोजिट डायरेक्शन में बना, तो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ ऐसा। अब इसी का उन्होंने अपोजिट करके देखा होगा, ये टर्मिनल चेंज करके देखे होंगे, तो यहाँ जो पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव करके देखा और ये नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव करके देखा, तब उन्होंने क्या देखा, इसकी डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट हो गई। तो सिंपल सी बात कहें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा लेकिन चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और इंक्रीज होगा तो करंट ज्यादा बनेगा, और ऐसा ही डिक्रीज होगा तो करंट कम होगा, लेकिन चेंज होना चाहिए लिंक होने के बाद में। तो ये थ्री एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, प्लीज नोट डाउन इफ यू डिडंट नोट, सो आई एम गिविंग यू लिटिल बिट टाइम, प्लीज नोट डाउन। ओके, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या है, देर आर टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। ओके, वन लॉ इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड अगर ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा, क्लियर बच्चों। तो अब हम समझेंगे, ये देखिएगा, पहले इरेज कर देता हूं, देन मैं आपको इसके बारे में और भी थोड़ा सा बता देता हूं, चलिए देखते हैं। चलिए, तो देखिए लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू है, टू लॉज यहां पर है, वन लॉ विल गिव अस मैग्नीट्यूड, सो फैराडे लॉ विच गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड सेकेंड लॉ इज व्हाट, लेंज लॉ, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के टू लॉज है विच गिव अस डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस ईएमएफ होगा तो करंट बनेगा और करंट होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन होंगी, तो वो किससे पता चलेगा, लेंज लॉ का, लेकिन हम कॉमन लेंज को अलग से ना बताकर हम उसी में इंक्लूड कर देते हैं, तो अब हम लिखेंगे क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, देयर शुड बी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड क्वाइल एंड आफ्टर दैट दिस फ्लक्स शुड बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, फ्लक्स लिंक भी होना चाहिए और लिंक होने के बाद में चेंज होना चाहिए, और चेंज मतलब चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, क्लियर हुआ बच्चों। जैसे डायग्राम में मैं बता दूं आपको, ये कॉइल ली उन्होंने, ठीक है ना, ये सपोज कीजिए कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां मैग्नेट थी और मैग्नेट का यहां नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, जैसे ये मैग्नेट को टूवर्ड्स ला रहे थे, अवे ला रहे थे, ये कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे कुछ ना कुछ तो लिंक भी हो रही है, देखिएगा लिंक हो रही है, ये देखिएगा लिंक होने के बाद में हम इसको मूव कर रहे हैं तो फील्ड लाइन ज्यादा लिंक होगी, मतलब तब भी इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा, है ना। देयर शुड बी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज कॉइल एंड आफ्टर दैट दिस शुड बी चेंज, अगर ऐसा होगा देन प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टेक्स प्लेस, कब होगा, और करंट भी बनेगा, अगर ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा, कब होगा, जब इस कंडीशन होगी, ठीक है बच्चों। फिर से अगर एक सेकंड कंडीशन देखें, ये देखिए कॉइल ले रहे हैं हम, लेकिन कॉइल को अब किस में रख दिया है,
कॉइल तो रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों ही को हमने रेस्ट में कर दिया, कॉइल भी रेस्ट में है, मैग्नेट भी रेस्ट में है, नॉर्थ साउथ। क्या इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है? हो रहा है बच्चों, हो रहा है, बट यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। ये भी रेस्ट में, ये भी जीरो है, तो बताइए क्या इसमें करंट बनने वाला है? नहीं बनने वाला है, यही तो बता है। देयर शुड बी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल एंड आफ्टर दैट दिस शुड बी चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, बट ये तो कॉन्स्टेंट है, जैसे थ्री मैग्नेटिक फ्लक्स है तो थ्री का थ्री ही है, तो चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट इसमें या इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें नहीं बन पाएगा। करंट भी जीरो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो विल बी जीरो। ओके, हियर करंट शुड नॉट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है ना। सेकेंड भी समझ लेते हैं। सेकेंड लॉ, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। पहले फर्स्ट लॉ को निकल लिख लीजिएगा, देखिएगा, फर्स्ट लॉ समझते हैं। देखिए बच्चों, ये कॉइल ले लेते हैं, इसी को सेकंड को यहां बताता हूं, ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल से यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है, ये मैग्नेट थी, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब हम इस मैग्नेट को बहुत फास्ट मूव करवा रहे हैं, सपोज कीजिए बहुत फास्ट टूवर्ड्स अवे, इन एवरी केसेस वी आर जस्ट मूविंग वेरी फास्ट, जब ये मैग्नेट को बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मोर। अगर मोर होगा तो इसमें क्या होगा, करंट भी मोर बनेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मोर होगा। समझ में आया? मतलब अगर तेजी से होंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन भी फास्ट होगा, ऐसे ऐसे नीडल में डिफ्लेक्शन वेरी फास्ट होगा, अगर स्लो करेंगे तो नीडल में डिफ्लेक्शन स्लो होगा। तो इसका मतलब क्या, नीडल में फास्ट डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है? करंट का ज्यादा बनना। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, ये पूरा क्लोज ऐसा बनता है ना, मैंने शॉर्ट बताया इसको, तो ज्यादा रेट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का। देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया बच्चों? ओके, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म जैसे सेक दोनों लोगों का बोला जाता है, बट हम स्पेशली इसका लिखते हैं। तो देखिए, इंड्यूस्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसा लिखते हैं, डी फाइव वी अपॉन डी टी, वेयर फाइव वी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, यस, और डी फाइव वी को कैसे लिख सकते हैं, फाइव टू माइनस फाइव वन, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए, फास्ट मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं हम इसका। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, एनी कॉन्स्टेंट, यहां पर कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने, माइनस साइन लगाएंगे, डी फाइव वी अपॉन डी टी। देखिए, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फैराडे लॉ, और साइन के साथ बोलेंगे तो फैराडे लेंज लॉ। ध्यान रखिए, डायरेक्शन की बात, ये अपोज को बताता है, नेगेटिव साइन इज अपोजिशन, साइन शोइंग डायरेक्शन, शोइंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इसकी, जब हम लेंज लॉ को पढ़ेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट की वैल्यू वन हो जाती है फॉर एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ के एसआई यूनिट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू वन हो गई। तो ये क्या मिल गया हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ
इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों, दिस इज एन इक्वल टू फोर वन टर्न। सपोज कॉइल में एन टर्न्स हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों, ओके इतना नोट कीजिएगा। चलिए इसी से हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला सेकेंड लॉ से, इसी से हम करंट भी निकाल सकते हैं। बताइए, या इसी को और करके लिख लेते हैं, और लिखिएगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो कई बुक में आपको ऐसा भी लिखेगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, ऐसा भी लिखा जा सकता है विद नेगेटिव साइन। तो ये ब्रैकेट में लिखें आप, ये ब्रैकेट में, ये ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट में ठीक है। अब इंड्यूस्ड करंट कैसे बनाएं, इसी में हम बना लेते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट कैसे बनाएं, तो बहुत सिंपल सी बात है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ओम्स लॉ कॉइल है, कॉइल हो तो कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट बोल दिया, ये इक्वेशन को सेकंड बोल दिया, या इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ई की वैल्यू माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एंड आई। तो ये आर की तरह जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और ये क्या बचेगा आई, और आई क्या है यहां पर, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है बच्चों, सो टुडे वी अंडरस्टूड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड सम अदर थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी दशहरा टू।